खुल खुलो सी मुस्कुराती हो सुबह खूब याद नबी से चैन पाती हो सुबह खुले आँख सले कहते कहते खुले आँख सले कहते कहते खुले कहते कहते। मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ, शैतने मरदूत से अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला बेशक अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही दीन है वह मुख्तलफ मुबोन हूँ और फूट में न पड़े किताबी मगर बाद इसके कि उन्हें इल्म आ चुका अपने दिलों की जलन से और जो अल्लाह की आयतों का मुनकिर हो तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है फीन

गर्दन रखे जब तो राह पा गए और अगर मुंह फेरे तो तुम पर तो यही हुक्म पहुंचा देना है और अल्लाह बंदों को देख रहा है जो अल्लाह की आयतों से मुनकर होते और पैगम्बरों को नाहक शहीद करते और इंसाफ का हुक्म करने वालों को कत्ल करते हैं उन्हें खुशखबरी दो دردناک عذاب کی الذين حبقت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين یہ ہیں وہ عمل أكارت گئے دنُيا و اخرت

किताबुल्लाह की तरफ बुलाए जाते हैं कि वो उनका फैसला करे फिर उनमें का एक गुरो उससे रू गर्दा होकर फिर जाता है इल्ला ये जुर्रत उन्हें इसलिए हुई कि वो कहते हैं हर गिज हमें आग न छुएगी مگر گنتی کے دنوں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ جو بانتے تھے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ تو کیسی ہوگی जब हम उन्हें इकट्ठा करेंगे उस दिन के लिए जिसमें शक नहीं और हर जान को उसकी कमाई पूरी भर दी जाएगी और उन पर जुल्म न होगा मुल्क, मुल्क मन मिन मन यूं अर्ज कर एल्लाह मुल्क के बालिक जिसे चाहे सल्तनत दे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले तु. और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे सारी भलाई तेरे ही हाथ है

رسول الله وسلم عليك يا حبيب did it

रहमत की घटा बन के तुम्हारे के छाए है रहमत के सोचा है रहमत की घटा बन के तुम्हारे

करीम जल्ला नबी नबी पाक सल्ल वस की मोहब्बत हम सबको और अता फ़रमाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्ल वसम के आजा का यूं तस्करा करना सल्लल्लाहु अकदर सल्ला तल वसम के बालों की शान बयान करना ये भी यकीन अल्लाह रबालमीन जल्ला की जानब से वाब मिलने वाला काम है और हज़ूर अकदस ताला अलैहि वाली वसलम की मोहब्बत को दिलों में बढ़ाने वाला काम है अल्लाबीन जल्हलाजूर की सराय के लिए हम सब को कबूल फरमाया वाली तसल्मा के दीन की ख़िदमत हमसे होती रहे दीनी कामों में मसरूफ़ रहें रबालमीन ऐसी सदत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए रबालमीन ने कुर करीम में इर्शाद फरमाया ववज़् यौमाई दिन

उनमें दीगर चीज़ों का बयान हुआ और अब यहाँ से जो बयान हो रहा है वो ये है कि कयामत का दिन एक हाल उसमें यह भी होगा कि मीज़ान पर तराजू पर अखबाल और आमाल का वज़न किया जाएगा बंदे क्या आमाल करते रहे क्या बातें करते रहे इनकी बातें कितनी वजनदार थीं थी और वजन इनके हक में रहा या इनके ख़िलाफ़ जाएगा उसका फ़ैसला होना है वजन और मीजान का माना क्या है इससे मतलब क्या है वजन का माना है किसी चीज की मकदार की मार्फत हासिल करना और आम में तराजू से किसी चीज के तोलने को वजन करना कहते हैं और जिस आले के साथ चीजों का वजन किया जाए उसे मीजान कहते हैं आयत क़रीमा में लफ्ज इस्तेमाल हुआ वल वजन जमहूर मुफसरीन के नज़दीक इस आयत में वजन से मीज़ान के जरिए आमाल का वजन करना मुराद है वजन किस तरह किया जाएगा आगे इसकी क्या तफसीत होंगी इनशाला सिलसिले में आगे बढ़ेंगे तो इसको मजीद सुनेंगे टॉपिक मुलाजा कर लीजिए आज हमारे सिलसिले का टॉपिक है आमाल का जायजा हम क्या आमाल कर रहे हैं और ये हमें कहाँ ले जाने वाले हैं कहाँ पहुँचाने वाले हैं इनका जायजा भी हम लेते हैं या नहीं थोड़ा इस पर और फिक्र करेंगे तफकूर करेंगे सोचेंगे कि किन आमाल में हम पढ़े हुए हैं और हमारे आमाल मज़ीद अच्छे कैसे हो सकते हैं ये लम्हा भर के लिए भी बंदे का अपनी आखिरत के बारे में सोचना अल्लाह तबारक व ताला की कुर्ब की मंजिलें अता करने वाला एक जरिया है एक सबब है अल्लाह तबारक व ताल इसकी हमें तौफीक भी नसीब फरमाए मुबल्हन हमारे साथ मौजूद हैं आप जयरत कर चुके अलहमद ला रुकन शुरा अबू माजिद हाजी मोहम्मद शाहिद तारी मदनी दामद बरक़ातमालिया तशीफ़ फरमाए हैं और हजरत mm. के शहजाद गान भी माशा जलवा फरोज़ हैं आपने जयरत की अल्लाह तबारक व तब को खैर भलाई और सलामती नसीब फरमाए वाह जी वाह अल्लाह करीम बरकत दे रोशन चमकते चेहरों को सलामत रखे और उस दिन हमारे चेहरे उजियाले फरमाए जिस दिन उजियाला होना कामयाबी की दलील होगा फरमाया गया यौ मतब वजूहू व तस्वद वजू दुआ की जाती अल्लाद वजही यौ मत तब यद हूँ व तस्वदू अल्लाह उस दिन हमारे चेहरे रोशन फरमा जिस दिन बाद चेहरे काले होंगे और बास चेहरे उजियाले होंगे कयामत के दिन रोशनी मिल जाए कामयाबी का जरिया है दूसरी जानब हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं मुबलिक दावत इस्लामी मौलाना अदनान चिश्ती अतारी मदनी माशा अल्लाबालमिन आपको भी सलामत रखे सेहत और सलामती नसीब फरमाए रुकने शुरू से आगाज़ करेंगे वो जो टॉपिक हैमाल का जायज़ा कुछ असलाहत भी हमारी तब्दील हुई हैं तो असलाह के तौर पर भी दावत इस्लामी की एक ट्रम बोली जाती है यह नेकाल या नेकाल का जायजा तो इसकी भी थोड़ी सी वजाहत फरमाएँ फिर इनशा टॉपिक को आगे लेकर चलिए अलहमदी स अल्हम्दुलिल्लाह जब अजल दावत इस्लामी एक ऐसी आलमगीर तहरीक है कि जो हमारी दुनिया भी संवारती है और आखिरत को सँवारने का भी जहन देती है और इसका बुनियादी मकसद तो ये है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की असलाह की कोशिश करनी है और अपनी असलाह की कोशिश के लिए मदनी इन हमारी असला थी अमीर सुन्नत ने एक आमाल का मुहासबा करने के हवाले से आमाल का जायजा लेने के तल्लक से एक हमें निज़ाम दिया है बहत्तर मदनी इनामत जिसे पहले कहा जाता था अब नेक आमाल कहा जाता है तो बहत्तर नेक आमाल जो है वो हमें दिए सवालत है कि आज आपने क्या क्या किया है और ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल में तलकिन की जाती है कि सोने से पहले या दिन में किसी वक्त भी वक्त मुकर किया जा सकता है कि आप अपने अमाल का जायज़ा लेंगे आपने क्या क्या किया है और ये एक बुनियादी चीज़ है नेक आमाल तभी इसमें इजाफा होगा कि जब हम अपने आमाल का जायज़ा भी लेंगे क्योंकि हर वक्त जो है वो जब हम गौर करते हैं अपने आप पर तो बंदे पर शैतान के वसवसे भी आ रहे होते हैं रहमान की तरफ से हिदायत भी आ रही होती है तो अब इंसान ने जो है वो हम सब ने ये फैसला करना होता है कि हमने शैतान के वसफ़सों पर अमल करना है या रहमान की दीवी हिदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है सही। तो ये जंग तो जारी ही रहती है ठीक तो जब हम अपने आमाल का मुहासबा करेंगे तो इसकी बरकत से हमारे नेक आमाल में इजाफा होगा अगर कोई गुनाह हो जाता है तो आदमी इस्तफार करेगा तोबा करेगा और अल्लाह तजल जो है वो मोमिन के लिए ये खुशखबरी सुनाई है कि कोई गुनाह हो जाए और उस पर जो है तोबा की जाए तो अल्लाह पाक जो है वो तोबा करने वाला और वाला। माफ करने वाला है हाँ। तो ये हम अपने अमाल का मुहासबा करके अपने नेक आमाल को बढ़ा सकते हैं अपने गुनाहों के लिए इस्तफार कर सकते हैं और अगर हम जरा गौर करें कि अल्लाह पाक ने जो निज़ाम बनाया एक तो ये अल्लाह पाक सब जानता है हमारा जाहिर भी जानता है बातिन भी जानता है लेकिन इसके बावजूद उसने एक निज़ाम बनाया जैसे दो फरिश्ते हैं हमारे मुहाफिज फरिश्ते जिसे कहा जाता है सही। और इसे कुरान में, में किरामन कातिबीन, यानी मुआजज़ लिखने वाले, वाले कहा गया है तो वो भी हमारे आमाल <स्थ> लिख रहे हैं अच्छा एक और निज़ाम ये है कि जमीन जो है वो रोजे क़यामत हमारे अमाल के बारे में बताएगी कि हमने क्या क्या किया और इसके अलावा जो दिन रात हैं ये भी जो है वो इंसान के नेक आमाल और बुरे आमाल पर गवाह होते हैं हो और फिर इंसान के आजा हैं तो क्यामत वाले दिन आजा को भी बोलने का हुक्म दिया जाएगा तो ये आजा भी बता रहे होंगे कि हमने क्या किया सही। एक बात तो ये है कि अल्लाह पाक सब जानता है इसके बावजूद ये सारा निजाम इसलिए बनाया गया है कि हम अपने आमाल को बेहतर करने के हवाले से सोचें गौर करें फिक्र करें और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें तो अगर हम अपने अमाल का मुहासबा करेंगे और ये सारी चीज़ें हमारे पेश नज़र होंगी तो आपकी रहमत से नेक अमल करने में कामयाब हो जाएंगे और बुराइयाँ जो है वो उससे हम बचने वाले बन जाएंगे हमने देखा दुनिया के अंदर भी है कोई जो है आप कारोबार करता है तो हिसाबों किताब भी करता है सही और हिसाबों किताब करते हैं तो पता चलता है कि मैं नफे में हूँ या नुकसान, नुकसान में जा रहा हूँ बिल्कुल दुरुस्त बिल्कुल अगर वो नुकसान में जा रहा हो तो वो उन असबाब के बारे में गौर करता है सही। कि वो कौन से असबाब है कि जिसकी वजह से मुझे खसारा हो रहा है ठीक वो जब असबाब उसके सामने आते हैं तो उसका वो तोड़ करता है उसका मुकाबला करता है और वो नुकसान कम से कम हो इसके बारे में गौर फिक्र करता है इकदाम करता है, है।, है। पहले गौर करेगा फिर इकदाम करेगा क्या बात यूं ही जो है वो हम अपने अमाल के बारे में गौर करेंगे तो फिर इकदाम भी करेंगे अमाल है तो उस का अदा करेंगे बुरे अमाल हैं तो उस पर करेंगे और जो है वो नक अमल करने के लिए अच्छा तो इन करीम आला हमें तो खैर नसीब फरमाया लेकिन मैं यहाँ एक और सवाल ही ऐड करना चाहूंगा जिस तरह आपने शायद फरमाया कि पहले बहत्तर मदनी इनाम थे फिर ये नकमाल तो अब इन बहत्तर मदनी इनामात में या सवाल जो जिस तरह आपने शायद फरमाया के हैं तो इन सवाल में क्यों एक तो ज़रूरत इसकी पेश आई और दूसरा इन सवाल में क्या खासियत है क्या बातें वैसे बुनियादी तौर तो पर तो अगर आप ये नेक आमाल या मदनी इनामात के बारे में पूछें तो अमीर अलसन्नत हज पे जाया करते थे तो अब जो है वो हर कोई कहता था कि हमने आपके साथ जाना है तो तादाद जब बढ़ने लगी तो अमीर सुन्नत ने चंद सवाल मुरतब फरमाए कि जो ज्यादा नेक नेकाल करने वाला होगा उसको ही मैं अपने साथ जो है वो मदीना शरीफ मक्का शरीफ हज पे अपने साथ लेकर जाऊंगा सुबह तो अव्वलन तो बारह सवाल थे अच्छा फिर इसमें इजाफा होता चला गया फिर तेतीस सवाल भी हुए जहाँ तक मुझे याद आ रहा है फिर इजाफा होते होते जो है चालीस हुए फिर जो है वो बहत्तर तक पहुंच गए इन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया तो ये सवाल बढ़ते गए और ये सवाल हैं क्या कि ये इन सवाल गौर करते हैं तो नेक आमाल में इजाफे का बायस है कि ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ तो इसमें फराइज भी हैं ठीक है, है। वाजबात भी हैं ठीक है। भी हैं मुस्तहबाद भी हैं और कुछ अखलाकी बातें भी हैं जैसे जो है वो सलीका शर होना चाहिए आदमी को साफ सुथरा रहना चाहिए तो इस तरह के जो है वो सवाल भी हैं सही तो इस, ये जो है मदनी इनाम नेक माल है सही इसका सिलसिला हुआ और फिर अलहमद दावत इस्लामी के मदनी माहौल में बाकायदा इसका एक तंजीमी सिस्टम भी है यानी एक रुकने रुकनेशुरा भी है सही उसके नीचे जो है फिर हर रीजन पर एक जिम्मेदार है फिर जोन जिम्मेदार काबीना जिम्मेदार और चलते चलते जेली हल्के के जिम्मेदार भी हैं यानी यूं हमारे ये जिम्मेदारान नेक आमाल को के जो इसके रिसाले हैं वो आम करते हैं सही और फिर हर महीने के आखिर में जी। ये जो है वो उससे लेते भी हैं कि आपने फिक्र मदीना की भी है कि नहीं किया तो इस तरह क्या होता है सलमान भाई आपने देखा होगा कि पूछकछ करने वाला हो ना तो आदमी के उस अमल में इजाफा होता चला जाता है कोई महकमा हो कोई जो है जैसे मदनी चैनल ही है एक हमारा इदारा है तो उसके पुषकछ का निज़ाम भी है तो इसकी बरकत से जो है वो बहुत सारे फायदे हो जाते हैं इदारे को भी फायदा होता है उस जो आदमी अजीर होता है उसको भी फायदा होता है इतने सारे जिम्मेदारान मुकर होने से एक तो फायदा ये भी है ना कि बिल हक पर अमल भी हो रहा है इसकी अच्छी तरह ताकीद भी की जा रही है पूछ गच निजाम भी है लेकिन एक सवाल और वो ये कि अमीर सुन्नत ने जैसे हज पर जाने के लोग मुरतब करने से अमीर सुन्नत की को क्या फायदा हुआ? देखें ये भी नेकी की दावत देने का एक जरिया है और बुजुर्गों का तरीका रहा है कि वो अपने चाहने वालों को अपने मुरीदों को अपने मुहिबीन को नेक अमल की तलकिन करते रहते हैं और हदीस पाग में भी आया ना कि दोस्त वो है जिसे देख कर जो है अल्लाह तला याद आ जाए खुदा याद आ जाए तो ये बुजुर्गों का तरीका रहा है कि वो अपने चाहने वालों को मुख्तलिफ नेक अमाल की तरफ बुलाते हैं तो नेक अमल करने में मुशक्कत यूं भी होती है नफ़ पर दोबार तो पड़ता है ना सही। तो यूं ये जैसे जैसे ये नेकमाल बढ़ेंगे मशक्क़त बढ़ेगी तो ये एक तरीका था नेक अमाल को नेकी की दावत को

दीगर चीज़ें जो हैं वो तो मौजूद ही हैं तो बेहतर ये है कि इंसान ख़ुद ही अपने आमाल का अपने पॉजिटिव अपने नेगेटिव, अपने प्लस अपने माइनस का जो है वो आ, अंदाज़ा लगाए और इसका हिसाब लगाए और जहाँ पर खामी है और जहाँ पर कमी है उसको जो है वो आ, दूर करें आप देखिए आमाल का जायज़ा ज़रूरी इसलिए भी है कि कल क़्यामत में इंसान को उसका नामा अमाल जो है वो दिया जाएगा खालिद भाई मैं ये गुफ्तु जो है वो कर रहा हूँ अल्लाह तबारक वाली मुझे भी और नाजरीन जो देख रहे हैं हम सब को अल्लाह तबारक वाली अमल की तोफीक ताफरमाए बातें बाकी गौरतलब हैं आज अगर हम हमारे अंदर कोई खामी है तो हमें चाहेंगे कि वो खामी छुपी रहे और अगर उस खामी का जो है वो मैदान में आना ही हुआ है तो वो कोई महदूद महदूद लोगों तक एक लिमिटेड लोग जो है उन्हीं में रहे बल्कि सारे आम ये मामला ना हो आ, जाए कि सब सबके सामने मेरी खामियां जो है वो आ जाए आप देखिए कि कयामत के दिन अल्लाह तबारक बताला इंसान को उसका नामा अमाल जो है वो अल्लाह की तरफ से बता किया जाएगा तो फिर उसे कहा जाएगा एक किताबिया किताब यह बी <भी> अपना इन को जो है वो पढ़ो और फिर अल्लाह तबारक वनने को जो है, वो फरमाएगा। मैं आयते जो है वो करता किताबक अपने नामा या माल को पढ़ो और फरमाया का हसीबा। खुद ही अपना हिसाब आज कर लो तो वो हिसाब जो सारी मखलूक के सामने जिसमें अम्बिया भी होंगे जिसमें अलिया भी होंगे जिसमें हमारे रिश्ता भी होंगे दोस्त अहबाब भी होंगे और जानने वाले ना जानने वाले सारे होंगे उनके सामने जो हिसाब बंदे ने खुद अपना लेना है तो बेहतर ये है कि इस दुनिया के अंदर ही अपने अमाल का मुहासबा और जायजा ले ले। खालिद भाई हर चीज़ को एक फना है दुनिया में चीज आई है उसको जाना है जो बना है उसको फना होना है ठीक है तो हमने भी दुनिया से चले ही जाना है और हमारे साथ हमारे अमाल ने जाना है तो हम कब्र की भी और अपने हशर की भी कुछ तैयारी करें।, करें हम जनाजे में जाते हैं लेकिन हमें कभी इस बात का ख्याल नहीं आता कि एक दफ़ा मेरा भी जनाजा होगा और यूं ही लोग उसे उठाकर जो है वो लेके जा रहे होंगे इसी तरह स्वयं में जा रहे हैं कि किसी जफातिया के लिए जा रहे हैं अफसोस करने के लिए जा रहे हैं हमारे जहन में ये ख्याल शायद ही कभी आया हो कि भाई एक दिन मेरा भी ये मामला हो जाएगा और फिर लोग जो है वो इशार शराब करने वाले भी होंगे या नहीं होंगे तो ये चीजें हैं बड़ी काबिल गौर हैं हमें इस पर गौर भी करना चाहिए और फिर आप देखिए बंदा अपने अमाल का मुहासबा करेगा और इसमें अपने गुनाहों के हवाले से जब अल्लाह ताला की बारगाह में रजू करेगा अल्लाह मेहरबान है अल्लाह करीम खैर की तोफीक भी अता फरमाएगा भी। और वो इतना मेहरबान है कि वह गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमाएगा ये अल्लाह करीम की एक सिफत रहमत जो है वो तो उसकी झलक है कि वो करीम अपने फजल से गुनाहों को से तब्दील फरमा देता है तो जायजा लेना अपने कामों का अपने का और ये जरूरी है और ये भी बंदा हरगिज कभी ना समझे कि भाई मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये सब कुछ ठीक ही कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ सब कुछ ठीक ही कर रहा हूँ बल्कि जो ठीक करने वाले हैं वो ही बताएंगे कि ठीक है या नहीं है सही उन्हीं के साथ बैठेंगे तो पता चलेगा कि ठीक है या नहीं अब देखिए हमें अपना अगर देखना है कभी मैं कैसा लग रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा आईने के सामने खड़ा हो जाऊंगा सही है अच्छा आईने के सामने नहीं तो आजकल मोबाइल सहलत मुझे फ्रंट कैमरा है आप ऑन करें और देखने में आपको बता देगा कि आपका चेहरा कैसा है आपकी आंखें कैसी लग रही हैं अपनी तस्वीर खींचेंगे तो आपको सारा वो बता देगा आप कपड़े कैसे लग रहे हैं ये भी नजर आ जाएगा तो बात यह है कि जब हमारी खामियां हमारी कोताहियां इनका हमने एनालिसिस करना है तो इसको देखने के लिए और अंदाजा लगाने के लिए जज करने के लिए कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं क्या खराबियां हैं हमें उनके सामने होना पड़ेगा कि जो मुतकी हैं परहेजगार हैं आमाल बजा लाए हुए हैं तो अल्लाह करीम की इताद फर्मा बरदारी में वक्त गुजारने उनके सामने जब हम अपने आप को रखेंगे या उनके साथ हम जो है वो बैठेंगे तो फिर हमें रिफ्लेक्शन होगा अपने ऊपर भी कि मेरे अंदर ये भी खराबी है ये भी खराबी है ये भी खराबी है तो फिर उन खराबियों को दूर करेंगे अल्लाह तो की रहमत से खैर पाने वाले बन जाएंगे रुकन ने रिशात फरमाया पहले तफक्कुर होगा फिर एकदम होगा जी पहले बंदा सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है तभी तो फिर जो सही होगा उसको बढ़ाएगा इस पर भी कुछ फरमाएं कि अगर हम इन अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं अपने का जायजा लेते हैं तो उसके हमारे लिए इजमाही फ़वाद भी कोई आते हैं या सिर्फ ये मेरी ही ज़्यादा फायदा यकीन उनको फिक्र करने के फायदे तो हैं बहुत सारे जब हम अपने आप पर गौर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब फर्द बेहतर होगा तो फिर मुआशरा बेहतर होता चला जाएगा हर बंदा जब अपने अमाल का मुहासबा करेगा जायजा लेगा मैंने क्या दुरुस्त किया है और क्या गलत किया है तो जब फर्द दुरुस्त होगा इकाई दुरुस्त होगी तो दीगर जो चीज़ें हैं वो भी दुरुस्त होती चली जाएंगी तो इसलिए इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है और हमें जाहिर सी बात है कारोबार हो दीगर मामला हों उसके अंदर हम गौर फिक्र करते हैं कि कारोबार में कितना नुकसान हुआ कितना फ़ायदा हुआ फला काम करने से नुकसान हुआ इसे छोड़ देना चाहिए इससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है या कम मेहनत करके ज़्यादा नफा हासिल हुआ है तो हम उस चीज़ को ले लेते हैं इसी तरह माल के एतबार से है वो चीज़ें जो बंदे को नुकसान का सबब है अल्लाह तबारक ताल की नाराज़गी का सबब है उन्हें छोड़ देना चाहिए और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अल्लाह वसल्लम की रज़ा और अल्लाह तबारक ताल की रज़ा का सबब है उन्हें अपनाते चले जाएँगे इन शहम और, और फिर ख़ास तौर पर जो अमीर अलीसन्नत का अता करदा एक नेकमाल का जो मजमू है ये भी बेहतरीन जरिया है अपने अमाल के मुहासबे का जी। एक तो यह है कि आप किसी अल्लाह के वली के पास जाएं और उस उनको देखें उनके अमाल को देखें और एक ये है कि आप खुद ही वो रिसा लें और अब आप उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं एक पढ़ते हैं दूसरा तीसरा जैसे ही आप आखिर तक पहुंचेंगे आपकी जो कैफियत है मौजूदा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा मेरे फरज कितने पूरे हैं वाजिबात में कितनी कमी है इसी तरह जो सुन्नत सुन्नतदा है उनमें से मैं क्या छोड़ रहा हूँ और क्या, क्या ले रहा हूँ सारी की सारी चीजें जो है बंदे के सामने आ जाए सुबह क्या आप सब जबरदस्त बात कही आपनेरकत दे आ, और आपकी कमिटमेंट ये खाली तो बड़ी बात है अदनान भाई ने कमिटमेंट की है आना प्रोग्राम में तो माशाल्लाह गला अगर खराब भी है लेकिन माशाल्लाह मौजूद हैं अल्लाह इनको बरकर इंसान को सादिकुल कौल होना चाहिए बात का सच्चा और वादे का पूरा करने वाला होना चाहिए माशाल्लाह मैं यहाँ एक और बात भी करूँ खालिद भाई आप देखिए कि इंसान दुनिया में तो कुछ वो है जो पढ़ना जानते हैं और कुछ वहाँ हैं जो पढ़ना नहीं जानते क्यामत में ये सब अपना नामा माल पढ़ेंगे अल्लाह बाज वो हैं जिनको पढ़ना जिनको अरबी आती नहीं है बात वो अरबी आती है जिनको तो कयामत में सब अपना नामा अमाल जो है वो अपना पढ़ रहे होंगे और दुनिया के सामने इंसान के मामला जो फिर वो खुल रहे होंगे बल्कि रब रहमान फिर उसके मुताबिक जो है वो अगर इंसाफ़ फरमाएगा तो फिर उसी के मुताबिक जो है वो उसको भी आ फरमाएगा या सज़ाता फरमाएगा और वो फजल फरमाएगा अगर तो वो फिर दाखिल जन्नत भी फरमाएगा ये अल्लाह तबारक व तौ के करम पर है कि वो इंसान को अपनी मखलूक को आ, किस आ, जो है वो अपनी सिफत से किस शान से उस पर जो है वो आ, यूं करम फरमाएगा या इंसाफ फरमाएगा बारा अल्लाह तबारक ताल की डरना चाहिए नबी करीम सल्ला तसलम ने इरशाद फरमाया हदीसी पाक है बड़ी ज़बरदस्त हदीसी पाक है फरमायामती कि कयामत के दिन बंदा मोमिन से भी उसकी हर हर जो आ, कोशिश है उसके बारे में उसे सवाल होगा हर हर बात के बारे में आई नहीं ही। यहां तक कि जो आंखों में सुरमा लगाया है इसके बारे में भी अल्लाह तबारक बताला बंदे से सवाल फरमाएगा हम अकाउंटेबल लोग हैं हम काबिल एहतसाब लोग हैं और हमारा एहत हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी लाम ताकीद, नून ताकीद फिर डबल ताकीद है। खाली नून ताक़ीद का हो तो भी ठीक है खफीफा लेकिन ये नून शकीला है यानी नून के ऊपर तशदीद है ये जो ग्रा, ग्रामर जानते हैं वो ये बात बखूबी समझेंगे कि नून शकीला क्या होता है और नून खफीफा क्या होता है आसान में कर दूं तो यूं है कि जिस नून पर बहरान पर जजम हो उसे कहते हैं नूने खफीफा और जिस पर तशदीद हो उसे कहते हैं नूने बहर ये बात बड़ा इंफिस करके बड़ा बाजे करके बताई गई है कि तुमसे फिर नियमतों के बारे में सवाल किया जाएगा जवानी कहाँ सर्फ की है, है? माल कहाँ से कमाया है कहाँ लगाया है क्या करते रहे हो थे थे तो कि ये सारा हिसाब तक फरमाया गया जब तक सवालों का बंदा जवाब नहीं देगा दे बरोज़ क्या अपना कदम नहीं हटा सकेगा अल्लाह तबारक ख़ैर फरमाए और उस दिन हमारे हम पर नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम के प्यारे गैसूम का अगर साया हो नबी पाक वसल्लम की लिवाए हमद का साया नसीब हो जाए और अबीन जल्ला हुजूर के सदके में

और अल्लाह करीम के फजल से अल्लाह तबारक की उम्मीद भी रखें और अपने बात है अहम बात कि क्यामत का जो अकीदा है ये हमारा बुनियादी अकीदा है जी सही। हर मुसलमान जो है वो उस पर लाजिम है कि वो क्यामत के आने का अकीदा रखे सही और अगर कोई मुसलमान ये अकीदा नहीं रखता तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा और इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है जो सूरत फातिहा हम तमाम रकतों में पढ़ते हैं यानी अड़तालीस रकतें हैं अगर हम सारी रकतों को काउंट करें तो यानी चार दो सुनतें दो फर्ज फजर के इस तरह जो है वो सारी रकतें तो अड़तालीस रकतें बनती हैं तो, तो इनमें से जो है वो छियालीस रकतों में सूरत फातिहा पढ़ना ये वाजिब है ज़रूरी है और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज जो है वो हो गई नहीं यानी अगर जान बुझ कर छोड़ देंगे तो नमाज नाकस रह जाएगी तो ये क्या बार बार है माली की योमित सोद फातहा के अंदर हम ये कह रहे हो कि वो अल्लाह पाक जो है वो रोजे क्यामत का मालिक है सही। तो ये बार बार हमें जो है ये क्यामत की जो याद दिलाई जा रही है वो इसीलिए है क्यामत के दिन अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होना है और अपने हर हर अमल का हिसाब देना है यानि आपसे पूछा जाएगा कि तुम लोगों ने इस दुनिया में आकर क्या किया है तो जब हमसे हर अमल के बारे में हिसाब होना है तो फिर हमें जो है वो अभी अलर्ट हो जाना चाहिए और ऐसा अपनी तैयारी करनी चाहिए कि जिस तरह जो है वो तैयारी करने का हक है और वो नेक अमाल करके ही तैयारी हो सकती है क्यामत के लिए तो जो हम नेक अमल करेंगे वही काम आएंगे बिल्कुल और अगर गुनाह हुए तो फिर तो ये हिसाबों किताब में जब गुनाह ज्यादा हुए तो फिर जहन्नम का जो है वो फैसला सुना दिया जाएगा तो ये हमें कितना डरने की बात है और क्यामत का कितनी तस्कर है यादानी है कि क्यामत के दिन अल्लाह पाक के हजूर आपने हाजिर होना है ना तो हम ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं ना ठंडा पानी बर्दाश्त कर सकते हैं ना गर्म पानी बर्दाश्त कर सकते हैं ठंडा पानी अगर हाथ पर पड़े ना जी जो ठंडा यख जिसकी मैं यख बस्ता पानी की बात कर रहा हूँ तो वो क्या कर देगा वो हाथ शल कर देगा ऐसा पानी भी होता है अगर आप उसमें हाथ रखेंगे निकालेंगे अच्छा, तो आपका हाथ क्या हो जाएगा छल हो जाएगा यानी हाथ ब्लू हो जाएगा नीला खून जम जाएगा इसमें और ये भी पॉसिबल है खराब ही हो जाए फिर दोबारा ठीक भी ना हो ये हुँ, हुँ, भी चांसेस मौजूद है अपनी जगह पर अल्लाह रहमत फरमाए और अगर इसमें गर्म पानी डलेगा तो फिर क्या होगा फिर इसमें जो है वो छाले निकल आएंगे आबले निकल आएंगे जलेगा तकलीफ होगी सही ठंडे पानी की तकलीफ ज्यादा या गर्म पानी की तकलीफ ज्यादा इस बात को साइड में रखें तकलीफ दोनों में तकलीफ दोनों में ठीक है हम लोग जो ठंडे पानी और गर्म पानी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम कल अल्लाह तबारक के जो अजाब हैं जो कबर की वहशत है जो घटन है जो सख्ती है ये क्या बर्दाश्त कर पाएंगे सो हमें अपने अमाल का जायज़ा ले करके इनका हिसाब करके इसकी इसमें जो फरज़ की जो कमी है इसको पूरा करना चाहिए जो वाजिबात की कमी है ये भी पूरी करनी चाहिए और आ, ऐसे अफराद के साथ हमारा एक लिंक होना चाहिए ताल्लुक वास्ता होना चाहिए जैसे दाऊस्नामी का मदनी माहौल ज़बरदस्त मिसाल है कि जो हमें नेक नेकमाल की तरगीब जो है वो दिलाता रहे नकाम की तरगीब भी है और फिर इस पर रब्लम वाला ने जो नेमतें अता फ़रमानी हैं उनका बयान भी है लेकिन साथ साथ जब बंदा रब की नाफ़रमानी पर तुल जाए तो फिर रबालमी जल्ला वाला कैसी ताकत कैसे कु्वत कैसे इख्तियार वाला है कैसी सजाएं देने पर वो कादिर है उसने कुरान में इसको बयान किया नबी पाक सल अल्लाह तल वसमा ने अदीस में उन चीज़ों को बयान फरमाया बल्कि

जो डर कर अल्लाह तबारक वाल की तरफ रागिब होने वाले हों वो भी आ जाए हाँ खुशखबरी सुनकर आने वाले वो भी, भी आ जाए दोनों शान नबी वसल्लम को अता फरमाई गई और मैं चाहूंगा मदनी चैनल के नादर यहाँ पर थोड़ा सा गौर हम इस बात पर भी करें कि अगर किसी को किसी मनसब पर बिठा दिया जाए कोई आला दे दिया जाए उसके पास इख्तियार बहुत हो वो जो चाहे वो कर सकता है उसके हाथ पैर बंधे हुए नहीं हैं इनको यूटिलाइज कर सकता है चाहे तो खिदमत के लिए कर ले चाहे तो अपनी जेबें भरने के लिए कर ले जो चाहे ये कर सकता है इसके हाथ हैं लेकिन साथ ये बात भी इसके पेश नज़र हो कि अभी तो इख्तियार है लेकिन इस इख्तियार के बाद इसको मैंने इस्तेमाल कैसा करना है उसके बाद इसका एहतसाब भी है जी। और जिसने एहतसाब फरमाना है उसकी शान ये है या सुदूर। वो आंखों की खयानते भी जानता है दिलों की पोशीदा बातें भी जानता है उसको सब पता है उससे कुछ छुपाए नहीं छुप सकेगा बंदा कितनी कोशिश कर ले वो अपने इख्तियार को भी देखेगा बख्तियार होने के बावजूद जिसने एहत करना है ना कोशिश करेगा कि मैं उसके हुक्कुम की खिलाफ वर्जी ना करूँ उससे ऐसा ना हो कि उसके सामने खड़ा कर दिया जाए और वो पूछे तो फिर मेरे पास कोई जवाब ना हो बाख्तियार होने के बावजूद भी उसकी रजा को देखता रहेगा जब हम सुरह फातहा में मालिक यूम दीन कह रहे हैं तो देख लें जरा कि वो कयामत के दिन होगा एहतसाब का दिन होगा और उस दिन हमसे पूछा जाएगा पूछेगा कौन जो उस दिन का मालिक है उस दिन का भी वही मालिक इस दुनिया का भी वही मालिक हर चीज का मालिक वो है और जब मालिक को एहत देना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर उसने पूछ लिया ऐसा क्यों किया किस लिए किया क्या मैंने आंखें इसलिए दी थी हाथ इसलिए दिए थे तुम्हारे मुंह में ज़बान इसलिए थी तुम्हारे जिस्म में कान इसलिए थे कि बेहयाई की बातें करो सुनो बेहयाई देखो बेहयाई की तरफ हाथ बढ़ाओ अपने कदम से चल कर जाओ कि इन चीज़ों को इसलिए अता अता किया गया था नहीं और यकीनन नहीं अता किया गया तो जब एहतिसाब होना है तो इनका सवाल भी होना है आज गौर कर लें वह अलका रफो का आइबा ही बात सुनाने वाला हुकुम सुनाने वाला कि वो अपने बंदों पर तसलुत रखता है काफो का इबादी फिर हम उसकी बारगाह में क्या जवाब दे पाएंगे वहां तो, तो कोई उजर भी नहीं पेश किया जाएगा <coughs> बेहतर यह है कि दुनिया में रहते हुए जो कुछ हम कर रहे हैं हम कोशिश करें कि ये सब वही हो जो अल्लाह तबारक माल को राजी करने वाला हो आज दुनिया में किसी को राजी करने के लिए चार अमाल क्या करते हैं कि यार ये भी राजी हो जाए वो भी राजी हो जाए वो भी राजी हो जाए कितनी देर की रजा है आंखें बंद होने तक का बात है और इस रजा की हैसियत क्या है, और इस, की क्या है? इस पे भी गौर बिल्कुल तो सही फरमाया उस रजा की क्या हैसियत है वो राजी होगा तो क्या कर लेगा वो नाराज होगा तो क्या कर लेगा जबकि रब की शान ये है कि वो जो लेना चाहे सारी दुनिया मिलकर भी कोशिश करे तो वो तुम्हें पहुंचा नहीं सकती और वो जो देना चाहे तो सारी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करे उसने देना है तो वो पहुंचा ही देगा बंदे तक उसकी शान ये है बंदों का क्या हाल है तो बंदे को चाहिए कि अल्लाह रबीन जल्ला वाला के की मंजिल की तलाश को तलाश करे और बस ये कोशिश करे कि मैं उन अमाल करने वो अमाल करने में कामयाब हो जाऊँ जो अल्लाह तबारक व तौ की रजा का बायस बनते हो मदनी चैनल के नाजरीन की कॉल्स भी हमारे पास है मैसेजेस भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आ रहे हैं इन शहल इनको भी शामिल करते हैं सलमान भाई से एक रिक्वेस्ट की गई है कि चौदह सीघों वाली गर्दान सुना दें चौदह वाली जी किस मजदर से सुननी है किस बाप की सुननी है इसकी तफस बयान नहीं की गई चले अगली मरतबा ऐसा कोई मैसेज करें तो भाई उसको मजदर बता दे तो फिर इनशाला सलमान भाई अल्लाह करीम खैर फरमाने कर वाला जब आप मजदर मिल जाएगा तो फिर आएंगे ऐलान होता है ना तो साथ ये बात भी होती है की शराबित लागू है अगर चाहेंगे तो इनशाला सुनाएंगे खैर जी ये हाल है अल्लाह खैर फरमाए और कितना जब हमारे पास एक वास्ट मैदान होता है तो सलमान भाई सवाल करने वालों के पास बहुत सारी जगह होती है नहीं बिल्कुल करें सवाल फिर आप देखें चौदह सीगों वाले गिरदान ये फिर आप देखें ये माजी की सुनानी है या मुदारे की सुनानी है चौदह 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 सीगे माजी की भी चौदह है मुदारे की भी जो है वो चौदह है अच्छा फिर ये नफी तकीद के साथ सुनानी है बिलम के साथ सुनानी है ये भी मजकूर नहीं है अच्छा फिर ये लाम तकीद नूने शकीला के साथ सुनानी है तो भी मजकूर नहीं है अच्छा नूने खफीफा के चौदह सीघे नहीं होते उसमें बात होते हैं वो नहीं होते है। तफसील है तो मामला है तो तो मामला आगे अल्लाह रहमत और ये इस सवाल सवाल के बारे। बारे। ने हमें जो है वो जितनी चीजें आपने दी है अगली मरतबा इतनी वजाहतों के साथ सवाल ना आएंगे तो भी खैर है इनशाला अल्लाह की फजल से फैदान जामतना जारी है और इन शाह जारी रहेगा और हमारे फरमाया करते थे गिरदान वो है जो बंदा तड़ा तड़ सुना है क्योंकि वो एक जैसे अल्फाज होते हैं और उसी मसदर को हर सिरे में बोलना होता है कमोमेश तो वो तड़ा तड़ ही निकल रहे होते हैं अल्लाह करीम खैर फरमा ये भी है की फिर इन्होने <coughs> नाहब जो है वो ऊला में सही जोर लगा के पड़ी होगी तो मुझे वो याद आया वाक्य कि मैं एक जगह तलबा को पढ़ाया एक पढ़ा, पढ़ाता था कुरान तो एक दफ़ा माहिर रमज़ान था तो एक करीबी एक दर्जी साहब रहते थे तो वो कोई एक सूट जो है वो सलवाने के लिए उनके पास गए और एक इस्लामी भाई ने तरकीब बनाई थी छोटे भाई के लिए तो वो मसल्ला तो नहीं सुना रहे थे तो उन्होंने एक बात कही तो मुझे बड़ी यानी एक नई बात लगी उन्होंने कहा कि ये जो हाफिज़ साहब है ना ये जो वलद्दान पर जो ज़ोर देते हैं ना तो जितना इन्होंने ज़ोर दिया है तो आज इनकी इसी वजह से इनको ये सूट पेश किया जा रहा है तो जो जो सलमान भाई ने जो है वो आ, उला में जितना ज़ोर दिया होगा तो आज उसका इम्तहान जो है वो लिया जा रहा है पूछा जा रहा है

عندما تموت لا تعلم من حملك على الاكتاف عندما تولد تغسل وتنظف وتغطى بالقماش لكي يستروك عندما تموت تغسل وتنظف وتغطى بالقماش لكي يدفنوك عندما تولد يفرح بك اهلك وداو عندما تموت يحزن عليك اهلك وذووك. عندما تولد يسالك الناس عن شهاداتك وخبراتك. عندما تموت لا تسال الا عن عملك الذي قدمت. فهكذا يا ابن ادم خلقت من التراب فاجلس مع نفسك واسالها. ماذا اعددت لذلك التراب اسال نفسك كيف تكون نهايته اتموت وقد عقبت امك اتموت وقد دعا عليك ابوك اتموت وانت تشرب الخمر اتموت وانت ظلمت جارك جاره جار؟ اتموت وقد اكلت ميراث اختك اتموت وانت تتعامل بالرباب تموت وأنت ترتشي فالموت قادم قادم لا محالة فتب إلى الله الآن فما زال باب التوبة مفتوحا على مصراعيه يقول الصالحون اذكروا الموت لتستعينوا بذكره على قسوة قلوبكم ألسنا نرى الموت يوميا أمامنا يخطف الناس في ريعان شبابهم اليس عجيبا ان تظل قلوب كثير من المسلمين قاسيه كالحجر وقد سئل حكيم ما اكثر شيء مدهش في البشر فقال البشر يملون من الطفوله يسارعون ليكبروا ثم يتوقعون ان يعودوا اطفالا من جديد يضيعون صحتهم ليجمعوا المال ثم يصرفون المال ليستعيدوا الصحه يقلقون من المستقبل وينسون الحاضر فلا الحاضر يعيشون ولا المستقبل يامنون يعيشون كما لو انهم لن يموتوا ابدا ويموتون كما لو انهم لم يعيشوا ابدا يوسعون بيوتهم بزياده الارض ولا يوسعون قبورهم بزياده العمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: على على "وتزودوا فإن خير, الزاد فإن خير الزاد التقوى". فإن خير الزاد التقوى. الله اكبر. باترين سامان سے ومسجد سامان هنا. तैयारियों के सामान में से सामान जो बेहतरीन है वो तकवा आखिरत के लिए लंबा सफ़र है और बेहतरीन ज़्यादा रही है अल्लाह ताला हम सबको तकवा नसीब फरमाए चंदाल का इस पैकेज में भी जिक्र हुआ उस पर भी हमने बात करनी है कि जब नेक अमाल का जायज़ा लेते हैं तो कुछ अहवाल का जायज़ा ले लें हमारे अहवाल हमारे अमाल बना रहे होते हैं हम पड़ोसी से किस तरह से हमारा सलूक है बहन भाइयों से हमारा क्या मामला है वालदे के अदब कहाँ तक पहुँचा हुआ है कितना उनका ख़्याल रखते हैं कितने उनकी क़दर करते हैं ये भी तो वो अमाल हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं कई दफ़ा ऐसा होता है कि बरकत व भलाई इन कामों में अच्छा होने की वजह से बढ़ जाती है और इन कामों में कमज़ोरी दिखाने की वजह से बरकत रूठ जाती है ऐसा क्यों होता है कैसे होता है इसको शामिल शामिल करेंगे अभी कुछ कॉल्स करते हैं देखते हैं है। अमाल के के दे की मतलब वा तब, वा के लिए जो है वो क्या चीज़ हो सकती है जैसे अगर हम अब सुधार लाना चाहे अपनी जिंदगी में तो, और बत, हम कर चुके आपको कुराना के मुताबिक कोशिश कर रहे हो करीम पिछली पिछली हम, कर कर हम सबको बरकत अता फरमाए और ये सोच बड़ी, बड़ी पॉजिटिव है कि मैं सुधरना चाहता हूँ दिमाग में रहती है ना तब भी एक अलार्म बजता रहता है और बंदा अच्छे अमाल की तरफ आता है बाकायदा जवाब आपका रुकने शुरू से लेते हैं देखें अपने सबिका अमाल पर गौर करना और नेक अमाल कर रहा है तो सबिका को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि जो सबिका गुना है अगर आदमी को याद रहेंगे तो फिर वो नेकियों में इजाफा करने की कोशिश करेगा और उसके अंदर से ये आवाज़ आ रही होगी कि तेरे पहले इतने गुना हैं मजीद क्यों अपने ऊपर गुनाह लाद रहा है, है। क्या तुमने रब के सामने जो है वो हाजिर नहीं होना और ये ये सोच जब आदमी के अंदर पैदा होती है ना कि, कि कब तक गुनाह करता रहेगा अपने गुनाहों को कब तक बढ़ाता रहेगा तो ये चीज फिर आदमी को नेक आमाल की जानब जो है वो बढ़ाती चली जाती है और अगर हम अपने गुनाहों को बुला बैठे सिर्फ नेकियां नेकियां ने याद रखें तो फिर जो है उजब पैदा हो सकता है तकबर पैदा हो सकता है लोगों को हकीर जानना जो है पैदा हो सकता है तो नेक आमाल पर जो है वो आदमी समझेगा कि मैं ही मैं ही हूं मैं ही आदमी आदम, अपने आप को नेक समझना शुरू कर देगा तो अपने सबिका गुनाहों को याद तो रखना चाहिए और बार बार रबत आला की जो है वो बारगाह में तोबा भी करते रहना चाहिए और ये तोबा करना ये भी एक नेक अमल है तो यूं अपने सबिका गुनाहों को याद करके इंसान ये तोबा इस्तफार करने वाले अमल में इजाफा करेगा तो यूं जो है वो इसकी नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा और जितनी ज्यादा नदामत होगी रब होगा बेनियात अल्लाह बेनियाज है और अल्लाह करीम से हर आन डरना चाहिए रुकनी शु ने बड़ी प्यारी गुफ्तु फरमा के जवाब मुकम्मल फरमा दिया है इतनी बात जरूर है कि खालिद भाई के सुलह का और नेक लोगों का हम अंदाज़ देखते हैं पढ़ते हैं तो वो नेक आमाल करने के बावजूद भी खौफ सदा जो है वो रहा करते थे अल्लाह ताली की के तदवीर से बंदा डरता रहे और अल्लाह की बेनियाजी से भी बंदा अपने आप को डराता रहे आ, उस मालिक की शान है वो चाहे तो सब कहा के साथ तल्ल रखने वाले एक जानवर पर फजल व इनाम फरमाए और अगर वो चाहे तो अशरफ और मखलूक़ात जिसे इंसान जो है वो कहा जाता है उसमें से बलम बिन बऊरा जो मुस्तावदावात हो

अमाल के मुआसबे के बारे में बात होगी अल्लाह पाक हमें करने की अता फरमाए। से बचने वाला बंदा बन जाए वाँ वाँ हो रही है जी इसी परफीक नस... खैर नसीब फरमाए आखिरत की भी फिक्र लगी रहे और आखिरत में एहत किस तरह से होना है बंदा से बंदे से सवाल कैसे होने हैं जिनके दुनिया के हिसाब किताब चेक होने लगते हैं ना उनकी नींदें उड़ जाती हैं कि अब क्या क्या जवाब दूंगा कैसे जवाब दूंगा फिर कहीं इधर जा इसको पकड़ उसको पकड़ और बहुत सारे यूँ समझें कि बंदा दरवाज़े बजा रहा होता है कोई तो कोई कहीं से तो आफियत का दरवाज़ा खुलेगा ऐसी बेचैनी जब दुनिया के हिसाब किताब के लिए होती है ना तो आखिरत के लिए अल्लाह करे कि हमें बेचैनी नसीब हो और उसके लिए बेचैन होंगे तो और अच्छा होगा लेकिन बहरहाल रुकने शुरू से आपकी बात का जवाब लेते हैं कैसे खौफ नसीब हो देखें एक तो ये है कि रब तआला के वो फ़रामीन हैं जो हमें डराते हैं जैसे ये सूरतुल्हशर की एक आयत है कि यादी अमन क्या ईमान वाल्ला से डरो वन नाकदमत लग और हर जान देखे कल के लिए जो है उसने आगे क्या भेजा तो ये दोनों चीज़ें साथ जो है वो जिक्र की गई हैं रब तला से डरने की भी और आगे क्या लेकर जा रहा है उसके हवाले से भी तो इसलिए जो है वो हमें ऐसे फ़ारमीन का मताल करना चाहिए उन अहदीस का जो है वो हम पढ़ते भी रहें और दूसरों को भी जो है वो सुनाते रहें तो रब तला का खौफ जब दिल में जागुजी हो जाता है तो फिर गुनाहों से बचने की सूरत बनती चली जाती है हकीकत यह है कि आज हमारे दिल से जो है वो खौफे खुदा दूर हो गया है, है। कि अगर हमारे दिल में खौफ खुदा होता तो क्या हमारी कोई नमाज कजा हो सकती थी क्या हम झूठ बोल सकते थे या क्या हम अपने वाले को सता सकते थे क्या हम अपने हकूक इबाद जो है वो अदा करने में कोताही कर सकते थे क्या भाई जो है अपनी बहनों की जायदाद जो उनका वरासत में हिस्सा बनता है वो जो है वो रोक सकते थे तो हकीकत ये है कि हमारे दिलों से खौफ खुदा दूर होता चला जा रहा है अगर हम ये कुरान और हदीस में जो खौफ खुदा के फजाइल बयान किए गए हैं और खौफ ना होने के जो नुकसान बयान किए गए उसका है। मुताला करें और ऐसे माहौल में जो है जहाँ पर इस चीज की तलकीन की जाती है और खुदा भी नसीब हो, होगा और नेक आमाल की रूहानियत क्या चीज है और ये कैसे हासिल हो सकती है अल्लाह रूहानियत जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से जो सुकून है और रबत आला की इबादत करने पर जो आदमी को लुत्फ सरूर हासिल होता है हाँ हाँ। 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 उसी को आमतौर पर रूहानियत कहा जाता है कि जैसे मिसाल के तौर पर रबत आला का कि नियमतों को याद करे तो ज़बान पर सुकून भी हो दिल में और जबान पर अलहदुल्ल जारी हो जाए और इसी तरह जो है वो खौफ वाली आयात पढ़ कर सुन आदमी की आंखों से आंसू जारी हो जाए दिल पसीझ जाए तो इसको भी रूहानियत कहा जाता है जैसे मिसाल के तौर पर एक इज्तम में गए और वहां पर खोफे खुदा की गुफ्तु हो रही थी हमारा दिल नरम हुआ हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए तो कहा जाता है कि जनाब बड़ी रूहानियत हासिल हुई है तो ये भी एक रूहानियत की एक किसम आप कह सकते हैं लेकिन जो है रूहानियत असल में जो है वो दिल की जो असलाह है अमूमी तौर पर उसे रूहानियत तस्फ़ कहा जाता है कि जाहिर के लिए जो नमाज रोजा और इस तरह के जो नेक आमाल हैं और शरीयत जिसे कहा जाता है और दिल की असलाह है वो तरीकत कहा जाता है दूसरे में रूहानियत कह दिया जाता है रूह से जिसका ताल्लुक हो वाँ वाँ वाँ। तो नेक आमाल का ताल्लुक भी रूह से यूं है कि जब नेक आमाल करते चले जाएंगे तो हमें एक सुकून एक जो है वो करार नसीब होगा तो इसको जो है रूहानियत का नाम दे दिया अल्लाह अल्लाह अकबर अकबर ये नेक आमाल जिन्होंने इख्तियार किए हुए हैं जो जिनकी नेकियां हैं जिनको हम नेक समझते हैं अल्लाह करीम हमें था फरमाए उनकी सोहबतें अगर मिलें उनकी तरह वाले उनके किए हुए काम करने वाले बन जाएं, दाता साहब अली रहमा को पढ़ें माजूद पढ़ें किताब भी बताती है कि मैं रूहानी किताब हूँ यालूम पढ़ें कुतुल कुलूब पढ़ें ये चीज़ें अपनी तरफ खींच रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनका ख़ुलासा या इनको आसान करके अगर हम देखना चाहें तो दावत इस्लामी के इस्लामिक रिसर्च सेंटर की जो तहक़ीक़ात हैं उन पर मुश्तमिल कुतुब बातनी गुनाहों की मालूम और इसी तरह मुंजियात महलिकात के हवाले से किताबें मौजूद हैं जन्नत में ले जाने वाले आमाल इन देखे बंदा जहद तकवा वा का बयान तो ये अलहदिल्लात है। है, करते हैं तो उनकी रूहानियत है।, है नमाज अदा कर रहे हैं उसके अंदर सुकून नसीब है सुबह बेकलीब बेकरारी नहीं है उनकी जिंदगी के अंदर और जब हम इस तरह के नेक लोगों की सीरत का मुताल करते हैं उनकी नमाज को देखते हैं उनके अखलाक किरदार का जब हम जायजा लेते हैं तो हमारा भी जी चाहता है कि ये कैफियत हमारी लेकिन इसके लिए हमें जो उन्होंने आमाल और उस पर जो उन्होंने एक इस्तिकत वाला मामला इख्तियार किया है जब हम उसको लेते हैं तो फिर अल्लाह तबारक के फजल से हमें यह नसीब होता है हम दुनियावी एबार से भी देखते हैं जब हमें कोई काम करना होता है तो बाज़ात उसकी हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं जैसे घर में किसी की शादी हो एक फर्द की तो आप देखें उसके लिए कितने दिन पहले से तैयारी शुरू की जाती है किस एहतम के साथ सारे के सारे घर वाले लगे होते हैं उस काम के अंदर जब हमने कयामत के दिन हिसाब किताब देना है तो उसके लिए हमें किस अंदाज में तैयारी करनी चाहिए इसको जो है वो गौर करें दुनियावी एतबार से काम काज अगर कुछ आगे पीछे भी हो जाए मिसाल के तौर पर शादी में कोई कमी भी रह गई तो कोई मसला नहीं है यानी कोई उखरवी एतबार से हिसाब किताब नहीं होना सही। लेकिन अगर आखिरत के हिसाब किताब के अंदर किसी आदमी के फर्ज कम है वाजिबात कम है दीगर चीजें कम रह गई तो इस पर उसे जरूर जो है वो सजा का सामना करना पड़ सकता है, है, है। लेकिन हम लोग दुनियावी एतबार से जो चीजें हैं रस्म व रवाज हैं दीगर रख रखाव है उसका हम बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं भी कर रहे होते हैं लेकिन उखरवी एतबार से जो चीजें फर्ज वाजिब और अल्लाह तबारक तल की रजा या अल्लाह तबारक तल की नाराजी का सबब बनते हैं उसके एतबार से हम कितने हसास है इसको गौर कर लेना बिल्कुल जी इसको गौर भी करना चाहिए और जहाँ ये मिसाल थी ना अद्दान भाई ने कि शादी में बंदा देखता है कि कुछ कमी कोत रह गई तो बाद में कुछ ना कुछ खैर को पूछने वाला है चंद रिश्तेदार नाराज हो गए तो चलो बाद में उसको मना भी लिया जाएगा होना नहीं चाहिए कोशिश किसी नाराजगी के हमारे उमूर अच्छे अंदाज से अख्ताम पजीर हों लेकिन यह सोचने की बात जरूर है कि अगर कोई रिश्तेदार नाराज हो जाएगा तो मेरे पास अभी मौका तो है ना मैं बाद में मना लूंगा क़यामत के रोज अल्लाह तबारक की बारगाह में हाजिर होकर हमें यह पता चले कि रभी नाराज है अब कहां से मनाएंगे अब तो सांस भी नहीं आएगी अब तो एक मरतबा सुहान अल्लाह कहने की मोहलत नहीं है, है अब या अमल का टाइम ही नहीं है ना अमल का तो वक्त गुजर गया अब सिर्फ एहतसाब है अब सिर्फ सवाल है अब अगर जवाब है तो पेश किया जाए और नहीं है तो फिर कहाँ पहुँचना पड़ेगा अल्लाह तबारक वाले को नाराज करके अगर जिंदगी गुजारी नाराज करके दुनिया से गए तो बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल है अल्लाह करीम हमें अपनी रजा नसीब फरमाए के नादरीन रब से ना तोफी का सवाल करें अल्लाह ताला हमें ने कामाल की तोफीक नसीब फरमाए बुजुर्गों ने फरमाया तोीक उफीक तोफीक जो है ये बेहतरीन साथी है कौन सी तोफीक नकाम की तोफ़ी मिलना मैसेज की तरफ आते हैं जी बहुत सारे मैसेज आपके मौजूद है मेरे सामने और कहा जा रहा है सिलसिला माशाल्लाह बहुत अच्छा है जदाकला आपसेज़ है कि ये कलाम सुना दें आ... मैं लज पाला दिल लड़ लगियाँ ठीक है जी ओकाड़ा से ये मैसेज है और या रसूल अल्लाह हाल वकार भाई ये कलाम सुना दें ठीक है जी आ... हमजा वाला से मैसेज है और चांदनी रात है और पिछला पहर इस कलाम की फरमाइ है आ... अदनान भाई की तबीयत के बारे में भी पूछा जा रहा है अल्लाह करीम रहमत फरमाए दे सलामती दे ने, ए, बिल्कुल कीजिए अल्लाह ताला हम सब को सेहत सलामती और तंदरुस्ती वाली सुनत आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमाए की कुछ कॉल्स है मुझे बताया जा रहा है आइए जी इसको भी सुन लेते सलमान भाई ये सुना दें फरमाइश आपने की, की। मजीदान इस्लामी भाई से अर्ज है कि ये कलाम सुना दीजिए या इलाही हरचा तेरी आता का साथ हो जब पढ़े मुश्किल, मुश्किल कुशा का साथ हो सुबहानल्ला सुबहान मजीद मरकजिया लाहौर से मजर इकबाल अतारी मैं आज सलमान भाई सर्द करूँगा कि अगर आप ये कलाम सुना दें कि मेरे दे का बदला तो जहन ही था मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया जजाक है आमीन 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 आपकी फरमाइशें सुनी जा रही हैं शामिल भी इंशाल्लाह की जाएंगी सिलेक्टेड जाहिर शामिल हो सकती हैं मस्जिद कॉल लेते हैं मुझे कलाम सुना दीजिए जे मैं वे खा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले अल्लाह अकबर अल्लाह सबारकाल की रहमत की क्या बात है जी बल्ले 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 वाह मजीद ये कलाम सुना दें क्या तुझसे बातें हैं सब पाने वाले सुबहान अल्लाह अल्ला। अल्ला, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले क्या बात है जी अल्लाह करीम जल्ला वाला हम सब के ज़ाहिर व बातिन को रोशन मुनव्वर फरमाए वकार भाई की तरफ चलते हैं देखते हैं वकार भाई कौन से कलाम सुना रहे हैं अब्बल हम्म and to so me

दर की गदाई उसने अता फरमाई है दावन मुस्तफ़ा हमेशा हाथों में रहे के इसी में भलाई है शाबान भाई हमारे साथ हैं। हम शाबान भाई से एक कलाम सुनेंगे माशा माशा लीजिए शाबान भाई कौन सा कलाम सुनाएंगे अब आपने सुना

बदला जब तक के चारों तारे दिल मिलाने जाएंगे जब सड़क के चल मिला बनाते जाएंगे नूर वाला आया है नूर लेकर आया

और उस चीज के जो भी आ, एफर्ट्स हैं, उनके साथ ही उसको देखा जाए बच्चे हैं बच्चों में परफेक्शन बड़ों में भी नहीं होती बच्चों में भी उम्मीद तौर पर नहीं होती लेकिन क्या होता है कि दर्जा बदर्जा एक चीज है वो कमाल तक पहुंचती है बिल्कुल है। बच्चा पढ़ना शुरू कर रहा है बाज बच्चों पर असा होती है अल्लाह करीम की फ़जल होता है तो वो शुरू से ही एक अच्छा लेते हैं और बाद बच्चे वो होते हैं कि शुरू में जिनका जो है ना वो अंदाज उतना ज़बरदस्त नहीं होता लेकिन आगे चल के मेहनत करने से ये अच्छा हो जाता है मज़े की बात मैं बताऊँ मैंने पहले भी अर्ज़ की हुई है मुझे बचपन में मेरी आवाज़ इंतहाई नापसंद थी आप यकीन मानें यानी कभी क्या होता था घर पर जैसे अगर वो है आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको रिकॉर्ड करने के बाद जब सुन रहे हैं ना तो मेरा ये होता था, था यार ये नहीं ये मेरी आवाज़ ये नहीं है ये आवाज़ जो मेरी इसमें है ना ये सही नहीं है इस तरह करके यूं फील होता था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ते पढ़ते चलते चलते, चलते चलते करते करते तो उस आवाज़ पर भी मुझे हौसला अफजाई ही मिली और यूं चलते 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 आगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत राहमत फ़जल है पीठ थपकने वाले हों और जोहरी एक हीरे को मिल जाए तो तराशी देते करीम वाला दे संभालने वालों वालों को सिखाने वालों को तरबियतें करने वालों को पीठ थपकने वालों को किसी का हौसला तोड़कर आप उसे बिठा तो सकते हैं आगे नहीं बढ़ा सकते हौसला देंगे तो इनशाला आगे भी बंदा चलेगा और ये आपका इम्तियाज होगा कि आपका दिया जिसको आपने हौसला दिया था वो आज अपने पैरों पर खड़ा है ये आपके लिए फखर की बात होगी अल्लाह तब को वही काम करने की तोहफी कदा फरमाए काबिल ना इन्हें कुछ गम है ना ये ना इनको कुछ खौफ है ना ये गमगी होंगे फरमाया खौफ इन्हें इसलिए नहीं है और गमगीन ये इसलिए नहीं होंगे कि जो जिस लम्हे में ये मौजूद थे ना उस लम्हे को अल्लाह तबारक व बरदारी में गुजारा जब ये इनका माजी बनता है तो ये उस पर फख्र करते हैं कि ये वो लम्हा है जिसमें अल्लाह तबारक व ताल की इबादत के साथ मेरी जिंदगी बसर हुई और जब इस लम्हे को लेकर वो अपने मुस्तबिल को सोचते हैं तो अल्लाह तबारक व ताल से इनाम की उम्मीद रखते हैं कि मेरा मोलहा मुझे वहाँ पर भी गमजादा नहीं करेगा वहाँ पर भी मुझे हुसन व मलाल नहीं देगा बल्कि जब दुनिया में नेकी की तौफीक दी है तो इन आखिरत में कबूलियत के कबूलियत के बाइस उस पर इनाम भी अता फरमाएगा तो एक ये भी इसकी ताबीर बयान की गई है दिल से यूँ खौफ आलाइश और यूँ समझें कि जो एक डर होता है ना वो दूर होता है इतमिनान नसीब होता है बच्चे हैं जिस तरह मैंने बात की थी कि फ़राइज भी अदा करें यह ज़रूरी है और उसके साथ मुस्बात की तरफ भी आए लेकिन फ़राज को छोड़े नहीं जब बच्चे हैं छोटी उम्र है अभी नमाज फ़र्ज नहीं है इन पर लेकिन एक माहौल अगर नातें सुनकर अगर अल्लाह तबारक व के जिक्र की महफिल में अलिया के तजकरे सुन सुनकर ये बड़े होंगे तो एक वो रंग चढ़ रहा होता है सोहबत का एक माहौल बन रहा होता है सोच बन रही होती है कि जनाब मैं नबी पाक सल्ला व तरह पढ़ने वाला हूँ इन्हीं महाफिल में इन्हीं दुरूस में ये बता दिया जाता है कि बेटा नमाज फर्ज होगी तो फिर उसकी पाबंदी करनी है उसका इल्तिजाम करना है। तो जब इस उम्र में अपने आप नाते पढ़ने वाला बच्चा, है, थिरकाने वाला बच्चा नहीं है जी। तो बड़े होकर भी उससे खैर की और भलाई की उम्मीद की जाए जी हामिद भाई अब आपकी तरफ है आप कौन सा कलाम सुनाएंगे नहीं क्यों सुहा मेरी उत मदीन से यू मेरे आका का रोजा मदीन है। मदीने दीन में रातें भी मदीन की बातें भी मदीन की जीने में जीना है क्या बात है जीने जिनकी अर्षा हुआ गलियों से गुजरे थे इस भी गलियों में खुशबू है पसीने की मेरी फत सुबहान मदीने से हमें उल्फत इसलिए है क्योंकि हमारे आका का रोजा मदीने, मदीने में, 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 में है और यही बात है जाने कायनात वहाँ है करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफ़ा रोशनी आज घर घर मदीने, मदीने है। में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसे निस्बत हो गई फिर वो चमक गया चमकता चला गया नबी पाक वसल्लम ने जर्रों को आफताब कर दिया ये बरेली के ताजदार ने ये कहा मेरा दिल भी चमका दे चमका चमकाने वाले वाह वाह जी अल्लाह तबारक तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए नेक लोगों के सदके में इमाम अहले सुन्नत के सदक़े में अमीर अहले सुन्नत के सदके में और हमें इनके बताए हुए तरीके कार के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक दे चैनल के नाज़रीन एक सवाल ये होता है कि जब किसी बुजुर्ग के बारे में डिस्कस की जाती है उसका तर्ज जिंदगी कैसा था वो कौन से अमाल थे जिन्हें वो किया करते थे एक वर्ड है जो बड़ा कॉमन कहा जाता है ये सेंटेंस बड़ा कामनली कहा जाता है बुजुर्गों के बारे में वो ये कि बहुत इबादत गुजारते बड़े नए का अमाल करते थे। अब फिर वो जितनी डिटेल से उनकी जिंदगियों को पढ़े उस कदर तफसील से ये बातें फिर सामने आती हैं कि कैसे इबादत गुजारते कैसे बड़े इबादत गुजारते किसी की जिंदगी में तिलावत कुरान का अंसर बहुत ज़्यादा मिलेगा किसी की जिंदगी में नवाफिल का अंसर बहुत ज़्यादा मिलेगा कोई तहजद गुजार होगा कोई इल्म दीन सीखता रहा इस इबादत में लगा रहा अमीर आसन्न दामद बरकातम आलिया का जब तस्करा किया जाता है तस्करा किया जा रहा है और इन अल्लाह तबारक ताल के नेक बंदू का जैसे तस्करा बाकी रहता है तो ये बाकी रहेगा आगे बढ़ेगा चलता रहेगा और मैं ये समझता हूँ कि जब अमीर आसन्न दामद बरकातम आलिया के बारे में हम तस्करा करते हैं कि नेक आदमी नेक बुजुर्ग तो एक तरीका नेकी का अल्लाह तबारक को राजी करने का वो ये भी इख्तियार हुआ कि मदनी इनामात ही इनाम फरमा दिए ना वो न एक अमाल लिख कर दे दिए कि आमाल किए जाए अब ये अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी जिंदगी में यही नेक आमाल हैं ये वो हैं जो हमें दे दिए हैं कि ये तुम भी कर सकते हो अल्लाह वाले क्या क्या करते होंगे ये वही जानते हैं क्या है ये बिल्कुल नेक आमाल तो उनके चोली दामन का साथ होता है जो हमारे बुजुर्ग हैं वाँ और वाँ आपने दुस्त कहा कि मुख्तलि बुजुर्गों का अंदाज मुख्तलिफ होता है तो अमीर सुनत की जिंदगी में दो चीजें बहुत ज्यादा है जो महसूस की जा सकती है एक खोफे खुदा दूसरा इश्क रसूल और ये शुरू से ही जो है वो आपके अंदर इस चीज का, का। यानी आप बहुत रक़ीकल्ब है बहुत रोने वाली शख्सियत है और क्योंकि बचपना भी जब आप जो है दो साल के थे डेढ़ साल के थे तो आपके वाले साहब का इंतकाल हो गया और फिर जो है वो बड़े भाई का भी कुछ अर्से के बाद इंतकाल हुआ फिर वालदा का इंतकाल भी हुआ तो पैदर दर पे पै इस तरह के जो घरेलू मामला हुए आपने दुख सहे इससे भी आपके दिल के अंदर एक जो है वो रोने वाली कैफियत और दुनिया से जैसे आदमी उचाट हो जाता है वो वाला सिलसिला भी रहा और 26 साल की उम्र थी जब आपकी जब आपके बड़े भाई का इंतकाल हुआ क्योंकि आपके बड़े भाई आपके सरप्रस्त भी थे घर का मामला चलाते थे आप तो अपने भाई से बहुत छोटे थे गलबन जो है वो यानी काफी फर्क है भाई से आपकी उम्र का तो उसके बाद जो है वो आप मजीद जो है दीन की जानब माइल हो गए वैसे बचपन से ही आप नमाजी थे और माशा अल्लाह दीनी ए, काम भी करते थे दूसरों को नेकी की दावत भी दिया करते थे बचपन में ही अपने साथ दूसरों को अपने दोस्तों को नमाज के लिए ले जाते थे लेकिन छब्बीस साल की जब उम्र में आपके भाई का इंतकाल हुआ तो आप फरमाते हैं के, फिर मजीद जो है वो मैं, नेकी के कामों के अंदर जो है मैं रगबत ज्यादा बढ़ गई और दुनिया से दिल हो गया तो ये चीज आप देखते हैं कि खौफे खुदा और इश्क रसूल अच्छा आपके कल के अंदर था तो रबकी रहामत देखिए दावत इस्लामी आपने बनाई और फिर इसका जो है दीनी माहौल बढ़ता चला गया अब दावास्लामी का पैगाम तकरीबन दुनिया के सारे ही ममालिक पहुंच चुका है तो आप देखते हैं कि एक आदमी ने एक शख्सियत ने अपने आप को दीनी कामों के अंदर नेक आमाल के अंदर मसरूफ किया और मुताला और उल्मा कराम की सोहबत से इल्म दीन भी हासिल किया और जू जो है वो आगे बढ़ते चले गए उनके फैजान से कितने लोगों की इसलाह हुई और नेक आमाल के वो आदि बनते चले गए तो इससे हम यानी हम भी अगर नेक बने तो हमारी नेकी के असरा हमारे हमसायों पर भी पड़ेंगे हमारे बच्चों पर पड़ेंगे हमारे रिश्तेदारों पर पड़ेंगे तो हमें खुद यूं भी नेक बनना है कि इससे जो है वो हमारी आखिरत बेहतर होगी दुनिया भी बेहतर होगी और साथ साथ इसलिए भी नेक आमाल की कसरत करनी है कि जो हमारे साथ मुंसलिक हैं वो भी नेकी की जानब जो है वो गामजन होते चले जाए तो यानी सिर्फ हम अकेले नहीं है हैं के किस से मुआरा बनता है तो अगर हर फर्द ये सुने ये जहन बना ले कि मुझे नेक बनना है तो फिर देखें, हमारा मीरा सुनत दामदरकालिया ने हालात के साजगार होने ना होने को बहाना नहीं बनाया बल्कि अल्लाह तबारक की रजा की तरफ बढ़ता चलेगा आज आप काम देख रहे हैं दीनी माहौल जिस तरह से बनता जा रहा है बढ़ता जा रहा है अलहमदिल्ला का बड़ा फ़सल है अल्लाह तबारक व तौर अच्छों की और कसरत फरमाए लेकिन सलमान भाई यहाँ हम ये यह बात भी कहना चाहेंगे कि अमीर अल सुन्नत दामद बरकातम आलिया ने जहाँ यूँ खौफ ख़ुदा का दर्स दिया इश्क मुस्तफ़ा का दर्स दिया हजूर पर दरूद पढ़ें अल्लाह तबारक व ताल के नाम का तस्करा करें ये सारी बातें हैं लेकिन साथ साथ एक बहुत दिलनशीन जो आपकी सीरत में बात है वो ये भी है कि हुकूकुल इबाद के हवाले से भी बड़ी आपकी सोच विचारकाल खौफ होगा और अल्लाह ती हुई तालीम पर कुरान करीम की तलीमत पर तालीमत पर जिसकी नज़र होगी तो उसके अंदर ये अंदाज अल्लाह की राहत के फजर से ये आएगा कि हकूक इबाद की अः पाबंदी भी हो और उसकी वजह आवरी भी हो और इस बात का दिल में बनने की जज्बा हो कि मैं दुनिया से इस हाल में न जाऊं कि मेरे ऊपर किसी का कोई ना कोई हक बाकी हो जिसे मैंने अदा करना हो फरमाया मेरे सुनत के ही मुबारक अंदाज में हमें ये बात आ, जो है वो देखने को मेरी मदनी चैनल पर बारहा आप जो है वो फरमा चुके हैं भाई अगर आ, मैंने किसी की रकम जो है वो देनी हो तो वो भी मुझसे जो है वो रब फरमाते हैं ऐसा है नहीं कि मैंने किसी की रकम देनी है लेकिन फिर भी अगर याद ना भी रहा हो तो कोई है तो वो रबता करके अपना जो भी कर ले आप देखिए ये इसलिए है क्योंकि अल्लाह तबारक वाल ने अपने बंदों के हकूक रखे हैं और वो हुकूक ऐसे रखे हैं कि जिनकी मुआफी और जिनकी तलाफी का मामला भी बंदों के पास रखा है बंदे मुआफ़ करेंगे तो अल्लाह तबारक वाले जो है वो बंदे को माफ करेगा हकूकुल तो इबाद को चूंकि अल्लाह करीम ने अहमियत दी है और हकूक उल इबाद में सिर्फ हुकूक अब्द नहीं है हक्क उलब्द ही नहीं है बल्कि इसमें हकुल्ला भी है क्योंकि इसलिए याद रखें कि हक अब्द हकुल अब्द बना ही इसलिए है क्यों क्यों क्योंकि अल्लाह करीम ने उसको हक बनाया है सही तो देखा जाए तो उसमें पहले भी भी क्या है हकुल्ला भी है सही ठीक है फिर उसमें क्या है हकुल अब्द, अब्द भी है।, है बंदों के हुकूक भी हैं तो इनकी बजावरी भी होनी चाहिए और हर ईमान वाले की जिंदगी में होनी चाहिए और इस पर भी बंदा गौर करता रहे कि मैंने अगर किसी से कोई रकम ली हुई है बाजू का जिसने ली हुई होती है ना उसको तो याद नहीं भी होता बात भूल जाता है बंदा लेके भूल जाता है, है उसको बात याद रहता है या वो भी भूल जाता है इसका बेहतरीन तरीका क्या है जो हमें कुरान करीम गाइडेंस दे रहा गुम इजात दा तुम बिदे इलाम फको जब कर्ज ले रहे हो तो उसको क्या कर लो लिख लो।, लो ये हमें बताया जा रहा है तो हम अगर कर्ज ले रहे हैं तो उसको लिख भी लें सही। और लिखने के साथ साथ इस बात का इस बात पर भी गौर करें कि क्या मेरे अंदर जज्बा है कि मैंने वापस भी करना है इस पर भी गौर होना चाहिए बिल ले पहले नंबर पर तो ये है कि हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद ने जनाब निज़ामुद्दीन फरमाया था कि भाई नफ्स की ख्वाहिश के लिए कर्ज लेने से बेहतर है कि भूखे रह लेना अल्लाह ये भी एक बात सीखने की मिलती है कर्ज लेना भाई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम हो गया है फिर बंदा जो है वो कर्ज की तरफ आए वरना छोटी छोटी बातों के ऊपर कर्ज पर नहीं जाना चाहिए एक बात तो ये है दूसरी बात जो ये है खालिद भाई के हम अल्लाह तबारक बताल के बंदे जो है बन कर रहे हैं और उसका ख्याल रखेंगे मैंने रकम वापस भी करनी है और घर के किसी फर्द को अगर शादी शुदा है तो बच्चों की मांग को भी बता दें बात होता है हिसाब होता है जनाब मेरे, मेरे पास है तो मैं जो दुनिया से आगे पीछे हो गया तो खोलेगा क्या क्या तो हमने इतने जो है ना वो पैसे देने हैं ताकि मतलब ये बच्चों को बता दें बेटे को बता दें किसी को इस तरह से यूं भी रखें ताकि थोड़ा सा बाद में आपके मुताबा किया जा सकता है उनको बता भी पता हो कि हम हमारे हमने देने हैं हम और वो दे दिए जाएं ये भी हो पैसा किसी का रख कर बंदे को नहीं जाना चाहिए पैसा रख कर भी ना जाएं। खा खाकर पैसा खा के कर, हड़प करके भी दुनिया से ना जाएं और किसी के हक मार के उसको बेआबरू करके उसको बेइज्जत करके भी दुनिया से ना जाए याद रखें इस पर भी गौर कर लें आ, इस बात का भी हम जायजा ले लें कि हम जब गुफगु करते हैं किसी से बात करते हैं तो हमारा बात करने का अंदाज सामने वाले के साथ क्या होता है उसका दिल छलनी करने वाला अंदाज होता है या उसको <coughs> बात का जवाब दे रहे हैं या सामने वाले को जलील कर रहे हैं सही गौर की गौर किया बिल्कुल गौर किया भाई एक बंदे से क्वेश्चन हुआ आपने क्वेश्चन का आंसर कर दें आप इन रेलिवेंट बात भी है बाजगात लोग सवाल ही इंट करते हैं, ठीक है? अब जैसे वकार भाई ने खाना क्यों नहीं खाया इसका जवाब तो वकार भाई ही देंगे ना। खाना क्यों नहीं खाया मुझे कोई इल्हाम नहीं हुआ मैं खाना क्यों नहीं खाया इंट क्वेश्चन भी बाजगात होते हैं अच्छा सर... बाज का नहीं भी होते बात का ऐसा होता है बंदा जिसको इेलिवेंट समझ रहा होता है वो इेलिवेंट होता नहीं सवाल है सवाल का जवाब दे दे इंट है इनरेलीवेंट का भी जवाब दे दे लेकिन सामने वाले को, ना करें। ना करें। को फरमाए और ऐसा भी होता है की जब कोई शख्स गुस्सा दिलाने के लिए सवाल करे हाँ जी उसको पता हो कि मैं सवाल ही सवाल नहीं कर रहा चुबो रहा हूँ इसके बावजूद आप उसको सॉफ्ट आंसर कर देना एक तो वो हक्का बक्का रह जाएगा दूसरा उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी अल्लाह इश्तियाल दिलाया गया और इश्तियाल में आप आ गए क्या कमाल किया दूसरे के इशारों पे चल गए थोड़ा सबर कर लेते आराम से और ठंडे लहजे में जवाब देते तो होता मुश्किल है लेकिन मुश्किल हालात में पढ़ आसानी से निकल जाता है ने? यही तो जमा मर्दी है इश्तियाल दिलाने के भी कुछ मकासद होते हैं और अल्लाह तो पाक जो है वो हमें साजिशों से ही बचाए तो यूं बाजुकात किसी को इश्ते जो है वो दिलाएंगे और फिर वो अपना ये जो है वो इम्पेक्ट देगा रद्द अमल देगा तो फिर उसको उसके रद्द अमल को चढ़ा देंगे नेट पर चढ़ा दिया लोगों में दिखा दिया देखे इसका ये अंदाज है हालांकि उसका ये अंदाज होता नहीं है ये तो जोश में तैश में जो है वो दिलाया और उसने ये अपनाया है तो एक बहुत अच्छी मिसाल दी जाती है कि आदमी को इस तरह रहना चाहिए कि जिस तरह गाड़ी चला रहा है सड़क पर और ये जेन बना ले यानी एक समझाने के लिए है कि गाड़ियों वाले जो है वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे मुझे बचकर निकल कर जाना है और हज़रत उमर फारूक आजम रत उम ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि दुनिया में जो है वो इस तरह रहना चाहिए कि झाड़ियां है जैसे आया, और आया। कपड़े जो है वो हमने झाड़ियों से बचा कर जो है निकल कर हमने निकल जाना है। तो यूं ये तकवा की भी एक मिसाल दी गई है कि तकवा क्या है अल्लाह पाक से जो है वो डे तकवा करो बुनियादी बात तो यह है कि खोफे खुदा हमारे दिल के अंदर थी? हो ये तकवा है ठीक है और दूसरी बात यह है कि अपने आप को गुनाहों से बचकर निकल जाए तो इसको भी तकवा कहा गया है तो लिहाजा जो है वो हमें देखना है अपने अमाल का यूं भी मुहासबा लेना करना है कि, कि किसी के तयश दिलाने पर हम तयश में आ जाए और अल्लाह पाक की जो है वो नाफरमानी कर दे तो खुशी में भी ना ना नहीं होनी चाहिए और तैश में भी नहीं होनी। से अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए मदनी चैनल के नादरीन, जब हम गुफ्तु करते हैं और अमाल के जायजे की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं अपनी तवज्जो को लेकर आते हैं तो समझ ही आता है कि नमाज रोजा हज जक़ात यही हमारे अमाल हैं इन्हीं पर हमने फोकस करना है इन्हीं की अकाउंटेबिलिटी का एहसास दिलाया जाएगा यकीन इनका भी एहसास दिलाया जाएगा ये भी बहुत अहम है लेकिन हमारे रवैये भी बड़े अहम हैं हमारे जबान से निकले हुए अल्फाज भी बड़े अहम हैं हमारी आँखों से देखने का अंदाज भी बड़ा अहम है और यह मैटर करता है सवाब और गुनाह इन अंदाज पर भी हो सकता है हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि तही वसल्लम की सुन्नतों का आइनादार बनाएँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर चलें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम के हुकूक को जिन्होंने पहचाना शेख शेख मुजद्द अलफसानी रहमत तरमाते हैं कि मुझे ये बात इहाम के ज़रिए से पता चली है कि अल्लाह तबारक व ताली की रज़ा का रास्ता इतबा रसूल के बग़ैर मुमकिन ही नहीं है जो अल्लाह तबारक तआला को, को राज़ी करना चाहता है उसको हुजूर की सीरत पढ़नी भी चाहिए और फिर उसको अपनी जिंदगी में शामिल भी करना चाहिए अल्लाह तबारक तआला हमें अपने अमाल का जायजा लेते हुए नेक एक अमाल में इजाफे की और बुरे अमाल को तर्क करने की तोफीक नसीब फरमाए आइए आखिर में सलात शाम करते हैं पर सलाम घर्दम